हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक्चुअली इस जो प्रोटेस्ट है लॉन्ग मार्च, इसकी कॉल दी गई थी दो तीन दिन पहले से। इसको ऑर्गेनाइज करने की हम लोग कोशिश कर रहे थे और आज बहुत पीसफुली मार्च हम लोगों को राजघाट पर करना था। उसके पीछे सिंपल सा हमारा मकसद ये था कि हम लोग उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करें जो गांधी जी ने इस देश को अभी तक देने की कोशिश की है। और एक बात आप याद रखें कि जिस दिन यहाँ पर गांधी जी की हत्या की गई थी, उसी दिन आज जामिया के एक स्टूडेंट को गोली मारी गई है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। हम सिर्फ और सिर्फ इस पीस मार्च से, इस लॉन्ग मार्च से ये मैसेज देना चाहते थे अपनी गवर्नमेंट को, अपनी सरकार को, कि हम गांधी के मानने वाले लोग हैं, हम लोग पीस और शांति इस देश में चाहते हैं। और वो लोग अनुराग ठाकुर जैसे लोग और दूसरे जो इलेक्शन कैंपेन में जुटे हुए हैं, वो लोग इस देश की शांति को ढक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स ही सिर्फ वो एक ऐसी कम्युनिटी है जो अब इस देश को बचाने की कोशिश कर रही हैं। और गांधी राजघाट पर हम लोगों का जाने का सिर्फ और सिर्फ यही एक पर्पस था, यही एक मकसद था कि हम लोग गांधी जी के पास जाएं और गांधी जी के पास जाकर के वहां एक प्रिविलेज लें कि हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो इस देश की शांति को और जो इस देश की जनता को, इस देश की अखंडता को, इस देश की इंटेग्रिटी को किसी भी किस्म का कोई हार्म हो। हम लोग आज भी जब यहाँ पर हम बैठे हैं तो इसी चीज़ के लिए बैठे हैं कि पुलिस हमें परमिशन दे, और परमिशन देने के बाद हम यहाँ से पुलिस को यह भी देखना होगा कि हम में से किसी स्टूडेंट ने अभी तक कोई वायलेंस नहीं किया है और हम कोई वायलेंस यहाँ करना भी नहीं चाहते। अगर पुलिस परमिशन नहीं देती तो फिर क्या करें? हम पीसफुली तरीके से उनसे एक डायलॉग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक हमारी कोई बात नहीं सुनी। पुलिस यहाँ पर तमाशा बन के खड़ी हुई है, जो उनके अपने बॉस हैं वो उनकी मान रही है। सिर्फ हम लोगों को कोई वायलेंस, कोई हमें कुछ करने का इरादा नहीं है। बस हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि हम गांधी के पास जाएं। जब प्राइम मिनिस्टर सुबह जाते हैं, रामनाथ कोविंद जी वहां पर जाते हैं, वो भी गांधी जी की समाधि पर जाते हैं, हम लोग भी बस ये चाहते हैं कि हम भी गांधी जी के जो प्रिंसिपल हैं उनको फॉलो करें और इस देश की उन्नति और तरक्की में अपना एक योगदान दें। बताया जा रहा है कि जब गोली लगी लड़के को तो पुलिस भी मौजूद थी वहां पर। आप देख सकते हैं बहुत सारी अब ऐसी इमेजेस वायरल हो रही हैं कि वहां पर पुलिस पूरे तरीके से उसको शील्ड कर रही है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है, और वो पूरे तरीके से अपनी पिस्टल को लहराया जा रहा है और वो वहां पर फायरिंग कर रहा है, लेकिन पुलिस किसी भी किस्म की उसको बचाने की कोशिश या उसको पकड़ने की कोशिश नहीं कर रही है। लेकिन स्टूडेंट्स जब पुलिस से कहते हैं कि हम यहां पर पीसफुल एक मार्च करना चाह रहे हैं, तो अब वो स्टूडेंट्स को रोकती है। हम लोग यहां पर डेमोक्रेसी को, यहां पर पीस को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, और इस प्रोटेस्ट के जरिए से भी हम सिर्फ और सिर्फ वही मैसेज, वही पैगाम, वही संदेश इस देश को देना चाहते हैं कि हम इस देश के रहने वाले हैं और इस देश के जो प्रिंसिपल हैं हम उसको फॉलो करते हैं। हम अंबेडकर को फॉलो करते हैं, हम गांधी को फॉलो करते हैं। अंबेडकर ने जो फंडामेंटल भी अपने जीत पे है और छात्र भी अपने जीत पे अड़े हुए। छात्रों का कहना है कि हम मार्च निकालेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से परमिशन नहीं है, यहाँ पर इनको रोक लिया गया है।
आ जाओ भाई। Thank you.
है।